आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्लास 12th, कंटिन्यूटी। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = मॉडुलस ऑफ cos x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है, टू फंक्शंस का मिलकर बना हुआ है। तो टू फंक्शंस का जो मिलकर बना हुआ है, उसके लिए हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, आइए देखते हैं। एक थ्योरम की बात करेंगे, फिर उसी के बेस पर हम इसको प्रूव करेंगे क्लास 12th के अंदर। तो देखिए क्या है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट, उसका कंपोजिट फंक्शन फॉग ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट सी। तो यहां पर देखिए एक फंक्शन है फॉग, तो इसमें आप देखिए जो जी एक्स है, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट सी, एंड जो एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस एट जी सी, क्योंकि ये फॉग बनेगा। देन f of g x is also continuous function. तो ये भी continuous होगा, अगर f g x भी continuous है, f x भी continuous है g c में, और जो fog है वो भी क्या होगा, continuous होगा। यानी ये भी composite function के लिए है, तो ये भी एक composite function है। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं, उसको हम let करेंगे, कौन कौन से function की composition है, तो आइए देखें। तो let हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एंड एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये फंक्शन दोनों को मिलकर के बना हुआ है। यहां पर वो निकालें, यानी कि जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, यानी कंपोजिट फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, जी ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स की वैल्यू हम यहां पर दे दें जी में, g ऑफ एच एक्स, एच एक्स कितना है cos x या modulus, x की जगह पर क्या आ जाएगा cos x। तो मतलब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है cos x है। फिर हमें मालूम क्या होना चाहिए, क्या g x कंटिन्यूस है, क्या h x कंटिन्यूस है। तो देखिए h x तो cos x है, h x क्या है cos x, दैट इज कंटिन्यूस, दैट इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। हम पीछे प्रूफ भी कर चुके हैं ग्राफ के द्वारा भी, मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए इसका जो ग्राफ है किस तरह से होता है, इस तरह से कंटिन्यूस होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता, कहीं ब्रेक नहीं होता। तो cos x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब बात करते हैं gx की, तो gx क्या है मॉडुलस ऑफ x, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं किस तरह से, क्योंकि देखिए जो x होता है एक्चुअल में जो मॉडुलस ऑफ x है वो किसके बराबर होता है, its value is x if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus x if x is less than 0. तो ऐसे ये define होता है। यहां से आप देख सकते हैं x की value 0 से ज्यादा है तो इसकी polynomial है, तो ये continuous है। x की value 0 है तो 0 है, constant function है, वो भी continuous है। अगर less है तो minus 0 है, minus 0 है मतलब same polynomial रहेगा, जब 0 से less less जाएंगे तो ये भी continuous है। problem कहां है, जीरो पर। तो जीरो पर आप चेक कर सकते हैं, जीरो पर कैसे चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो पर, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जीरो पर, एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव में कितना आ गया माइनस एक्स, तो आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो जीरो ही है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा जीरो। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, यानी यहां जीरो पॉजिटिव में कौन सा ले लेंगे एक्स, तो भी आंसर कितना आएगा जीरो। अब तीसरा है एफ ऑफ जीरो, वो भी कितना आएगा जीरो। तीनों बराबर है, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तीनों बराबर है तो क्या हो गया ये कंटिन्यूस, तो जी एक्स इज कंटिन्यूस। तो आप देखिए
जी एक्स भी कंटिन्यूस है, एच एक्स भी कंटिन्यूस है, दोनों कंटिन्यूस है, तो इस थ्योरम के द्वारा आप देख सकते हैं फॉग भी कंटिन्यूस है, तो यहां पर क्या बन रहा है, गो, तो जी होप एच इज आल्सो कंटिन्यूस। देखिए दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, एच एक्स भी और जी एक्स भी, तो गो भी क्या हो गया कंटिन्यूस। तो गो है क्या, ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये है क्या, ये देखिए cos x ये है क्या, ये fx है, क्या है fx, therefore fx is continuous function। मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुका है, आपको सिंपली क्या करना है, ये दोनों फंक्शन लेने हैं, इसका कंपोजिशन है, इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है, इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो इसका कंपोजिट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन मॉडुलस ऑफ x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। बिल्कुल 31 क्वेश्चन की तरह है, ये क्या है कंपोजिट फंक्शन, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन के लिए ये थ्योरम है, अगर हमारे पास fx और gx टू फंक्शन है और फॉग हमारे पास डिफाइन है, gx कंटीन्यूअस है, fx कंटीन्यूअस है, तो फॉग भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। लेकिन देखना यह है यहां पर कौन कौन से फंक्शन है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक फंक्शन है यहां पर जी एक्स, दैट इज साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन है यहां पर लेट कर लें जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन एच एक्स, एच एक्स क्या हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स। तो इसका कंपोजिट लिखकर देखिए क्या उस जैसा बनता है, तो देखिए गो ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, जी ये रहा एच एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स, यानी जी मॉडुलस ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पर क्या डाल देंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू साइन मॉडुलस ऑफ एक्स। तो ये तो हो गया, ये जो साइन मॉडुलस ऑफ एक्स है ये कंपोजिट फंक्शन है किस किस का, जी एक्स और एच एक्स का। अब हम पहले इनकी बात करेंगे क्या यह कंटिन्यूस है, तो देखिए जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, आपको अच्छी तरह से मालूम है ये जो साइन एक्स है दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, या एक्स बिलोंग्स टू क्या लिख लो आर, ये हर जगह पर यह है कंटिन्यूस, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्क्स पर डिपेंड करता है, छोटा आया है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो एच एक्स है मॉडुलस ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूस है, अभी अभी हमने पिछले 31st सम में प्रूव किया था, ये भी कंटिन्यूस है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये दोनों क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। देन इनका जो कॉम्बिनेशन है गो ऑफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये क्यों कंटिन्यूस हो गया इस थ्योरम के द्वारा, बाय थ्योरम, इस थ्योरम के द्वारा ये भी कंटिन्यूस है। तो गो क्या है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर fx is continuous function। तो उम्मीद है ये सम भी आपको समझ आ चुका। आइए देखते हैं लास्ट सम 34th, find all the points of discontinuity of the function defined by function modulus of x minus x plus 1 modulus। तो यहां देखिए हमारे पास जो functions के अंदर टू functions है, जैसे मान लीजिए hx और ये gx और बीच में क्या है सब्सट्रैक्शन, तो ये जो मॉडुलस ऑफ x है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यू नो वेरी वेल, आपको अच्छी तरह से पता है। इसी तरह x प्लस 1 भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन के बीच में अगर सब्ट्रैक्ट करें या एडिशन करें तो वो क्या होते हैं कंटिन्यूअस ही होते हैं। तो ये तो हमें मालूम है ये कंटिन्यूअस है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर बड़ा सम आ जाता है तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हम पहले इसको सिंगल फंक्शन में बनाएंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे
सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं तो सिंगल फंक्शन पहले कैसे बनाएं। फंक्शन हमारे पास है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन मॉडुलस। तो पहले मॉडुलस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरह से डिफाइन होता है। इन द सेम वे एक्स प्लस वन मॉडुलस एक्स प्लस वन माइनस का इफ एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो, या यू कह लो माइनस वन को इधर ले जाओ एक्स इज लेस देन माइनस वन। तो इसकी वैल्यू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और पॉजिटिव एक्स प्लस वन, जैसे ये रहा यहां एक्स है यहां एक्स प्लस वन है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। इस तरह की पोजीशन है, ये माइनस वन से रिलेटेड है, ये जीरो से रिलेटेड है। तो हम दोनों पर ही चेक कर लेते हैं इस फंक्शन को कंबाइन कैसे करें। देखिए एट एक्स इज लेस देन माइनस वन, एक्स इज लेस देन माइनस वन कौन सा है? ये रहा लेस देन माइनस वन, कौन सा फंक्शन होगा? ये लेस देन माइनस वन, यहां कौन सा होगा? ये, यानी जीरो से लेस है तो माइनस वन से तो लेस होगा ही होगा। तो ये कितना हो गया, फिर फंक्शन किसके बराबर हो गया हमारा? इसकी जगह पर कितना आ गया? माइनस एक्स, आगे माइनस, ये क्या बना? माइनस एक्स प्लस वन। इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस एक्स प्लस वन कट गया, तो एफ एक्स क्या हो गया फिर? वन। कहां पर? एट एक्स इज लेस देन माइनस वन। तो एक्स इज लेस देन वन माइनस वन है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास? वन। अब देखते हैं बिटवीन माइनस वन, यानी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन और जीरो से छोटा, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है तो इस फंक्शन के लिए तो एक्स प्लस वन, एक्स इज लेस देन जीरो इस फंक्शन के लिए माइनस एक्स, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? माइनस एक्स, माइनस ये ग्रेटर देन माइनस वन, तो यहां क्या होगा? एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो खोलेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन। तो ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अब देखिए ये पहला हमने देख लिया, ये दूसरा, और ये अब तीसरा देखें, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कितना है? एक्स कितना है? यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कितना आ गया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहां पर ग्रेटर देन जीरो यानी माइनस वन से ग्रेटर है तो यही आएगा माइनस एक्स प्लस वन, इन ब्रैकेट में लेंगे तो एक्स माइनस वन कट के कितना आ गया? माइनस वन, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। तो इसको हम कंबाइन करें तो किस तरह का फंक्शन बनेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पहला देखें, इसकी वैल्यू कितनी? वन इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन, इसकी वैल्यू माइनस टू एक्स माइनस वन इफ माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस वन। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन को देखिए हम कंटिन्यूस है या नहीं, ये आप पहले भी कर चुके हैं। तो ये देखिए माइनस वन, एक्स जब माइनस वन से छोटा है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगा। माइनस वन से जीरो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो वैल्यू कितनी है? माइनस वन, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो पॉइंट ऑफ जो डिसकंटिन्यूटी कहां पर हो सकता है? माइनस वन पर। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये फंक्शन चेंज हो रहा है, इसी तरह जीरो पर चेंज हो रहा है। तो जीरो और माइनस वन पर चेक कर लेंगे, जीरो और माइनस वन पर अगर यह कंटिन्यूस है तो फंक्शन यह कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो डेफिनेशन क्या बोलती है? By definition,
एफएक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। अगर ये तीनों बराबर होंगे तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x approaches to minus 1 and negative of fx in the limit x approaches to minus 1 negative minus 1 negative value kitni hai 1 so that is equal to 1 so left hand limit is equal to kitni aayegi ab nikalte hain right hand limit mein limit x approaches to minus 1 positive of fx limit x approaches to minus 1 positive माइनस वन पॉजिटिव यानी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पुट करेंगे पुट एक्स इज माइनस वन प्लस एच हेयर एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन। तो इसमें पुट करेंगे फिर देखेंगे क्या बनता है। तो देखिए आगे लिमिट की बात कर रहे हैं कहां पर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो क्या बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो यहां लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो बन जाएगी और फंक्शन क्या बन जाएगा माइनस टू एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे माइनस वन प्लस एच माइनस वन प्लस एच आगे क्या है माइनस वन तो लिमिट पुट कर दे माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आएगी वन। अब तीसरा एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन दैट इज आल्सो माइनस टू माइनस वन माइनस वन टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of minus 1 is equal to 1। तो तीनों बराबर है ये भी 1 है ये भी 1 है और ये भी 1 है तीनों बराबर है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 पर तो है अब किस पर चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव लेफ्ट हैंड में जीरो नेगेटिव जीरो नेगेटिव में कौन सा फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव माइनस टू एक्स माइनस वन। तो यहां पुट करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच हेयर एच अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू जीरो माइनस एच इसके बराबर हो गया माइनस टू जीरो माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आगी माइनस वन। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स लिमिट x approaches to 0 positive, 0 positive में कौन सा फंक्शन रहेगा माइनस वन है तो माइनस वन। तो राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो f ऑफ 0 कितना है ये भी कितना है माइनस वन। कितना है माइनस वन इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू वन। तो तीनों वैल्यूज माइनस वन आ चुकी हैं सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। देखो जीरो पर भी कंटिन्यूस है माइनस वन पर भी कंटिन्यूस है तो बाकी मैंने आपको बता चुका हूं हर जगह पर यह फंक्शन कंटिन्यूस है। उम्मीद है आज के जो सम आपको ठीक लगे हैं आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है आपका बहुत बहुत